हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको एरेनफास्ट की थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। एरेनफास्ट की थ्योरम के हमने दो पार्ट याद किए थे। पहले पार्ट को भी हमने प्रूव किया तथा उसके दूसरे पार्ट को भी हमने प्रूव किया था। आज का हमारा नया टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्पेक्ट्रा हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है स्पेक्ट्रा? जब हम कोई जो लाइट है, व्हाइट लाइट जिसे हम प्रकाश कहते हैं, उसे हम किसी प्रिज्म पर पड़वाते हैं या प्रिज्म पर पास कराते हैं, तब प्रिज्म पर पास होने के बाद वह एलिमेंट्री पार्टिकल वह कुछ पार्टों में ब्रेक हो जाता है, तो जो ब्रेक होता है उसे हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है, एक हमने व्हाइट लाइट जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं, हमने एक प्रिज्म पर इसको पास कराया। ये व्हाइट लाइट एक प्रिज्म पर पास हुई, प्रिज्म पर पास होने के बाद यह अपने कई एलिमेंट्री पार्टिकल्स में टूट जाती है। जैसे एक ये है, दूसरी, तीसरी, जैसे आपने देखा होगा कि जब इंद्रधनुष निकलता है उसमें जो कलर निकलते हैं वह कलर व्हाइट लाइट के होते हैं जो प्रिज्म के द्वारा पढ़कर हमें शो होते हैं। जैसे बिब ग्योर जो कलर्स होते हैं, कलर्स का क्रम होता है, वह हमारे इसी स्पेक्ट्रा के द्वारा होता है, जिसमें हमने यहाँ पर ऊपर रेड नीचे वायलेट कलर शो किया गया है। इसमें जो स्पेक्ट्रा होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिखी है, जब कोई लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तब यह अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पड़ेगी तब एलिमेंट्री पार्टिकल्स में टूट जाती है और एक सीक्वेंस में आ जाती है। एक सीक्वेंस में आएगी तब इस सीक्वेंस को हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। इस सीक्वेंस को स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये जो स्पेक्ट्रा होते हैं वह हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला स्पेक्ट्रा इनिशियल स्पेक्ट्रा। इनिशियल स्पेक्ट्रम और जो दूसरा होता है हमारा वह होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहला स्पेक्ट्रम होता है वह हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम होता है तथा जो दूसरा स्पेक्ट्रम होता है वह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम किसी वस्तु से जब प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है, तब उसे हम प्रिज्म से पास कराते हैं। जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह जब हम कोई लाइट है उसे प्रिज्म से पास कराएंगे तो जब प्रिज्म से पास होती है तब प्रिज्म से पास होने पर तो लाइट प्राप्त होती है, उसे हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह स्पेक्ट्रम होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। जो इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। जैसे जो इसका पहला स्पेक्ट्रम है हमारा वह है इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। पहला स्पेक्ट्रम हमारा इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होता है तथा जो इसका दूसरा स्पेक्ट्रम होता है वह होता है इमिशन
बैंड स्पेक्ट्रम। पहला एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम तथा जो दूसरा स्पेक्ट्रम होता है वह एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम होता है, और जो इसका तीसरा स्पेक्ट्रम होता है वह होता है एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यह हमारे तीन प्रकार के होते हैं, कौन से? एमिशन स्पेक्ट्रम, पहला एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम, और तीसरा होता है हमारा एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब जो हमारा सेकंड टाइप है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप होता है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, वह आप यहां देखिए। पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का जो टाइप होता है वह होता है एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। पहला कौन सा होता है? एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, और इसका जो दूसरा स्पेक्ट्रम होता है वह होता है एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम। जो इनिशियल स्पेक्ट्रम होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम। जब इसमें क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, अभी हमने बताया कि जब किसी वस्तु को प्रकाश से वस्तु से जो प्रकाश निकलता है व्हाइट लाइट निकलती है उसे हम प्रिज्म से पास कराते हैं। जब प्रिज्म से पास कराएंगे तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वह क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और जितना हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम किसी व्हाइट लाइट को किसी सबस्टेंस से गुजारते हैं और जो सबस्टेंस से निकलने वाली जो लाइट है वह लाइट जब सबस्टेंस से निकलती है तब उसे प्रिज्म में से पास कराते हैं। जब लाइट को किसी सबस्टेंस से गुजारते हैं, सबस्टेंस से गुजारने के बाद उसके बाद हम जब प्रिज्म से पास कराते हैं तब जो हमारे पास एमिशन प्राप्त होता है, जब हमारे पास एमिशन जो आता है उस एमिशन जब हमारे पास जो लाइट प्राप्त होती है उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका जो पहला था एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें जो ब्लैक बैकग्राउंड होता है उस पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, स्पार्कल लाइन प्राप्त होती है। जो ब्लैक बैकग्राउंड होता है इसका, इसमें स्पार्कल लाइन्स प्राप्त होती है। ये तब बनता है जब जो सब्सटेंस होता है वह एटॉमिक स्टेट में होता है। जैसे इसमें इसका जो एग्जांपल होगा वह Na के तथा जो होगा वह H का स्पेक्ट्रम होगा। इसका जो एग्जांपल में स्पेक्ट्रम होंगे Na होता है वह सोडियम होता है, K जो होता है पोटेशियम होता है, तथा H का जो बनता है स्पेक्ट्रम वह इन तीनों पार्ट में बनता है। जो सेकंड हमारा स्पेक्ट्रम है, सेकंड स्पेक्ट्रम एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है? एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम में जब हम इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में जब हम ब्लैक बैकग्राउंड में जब हम लाइट इस पर पड़ती है तब इसमें जो चमकीली पट्टी या स्पार्कल बैंड हमें प्राप्त होती है, जिसमें हमें स्पार्कल बैंड प्राप्त होती है उस
पदार्थ को, उस पदार्थ में जब वो स्पेक्ट्रम बनता है, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को हम इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इमिशन बैंड स्पेक्ट्रम के जो एग्जांपल होंगे हमारे, यह इसको लाइक करते हैं, यह H2 तथा CO2 को लाइक करते हैं। जो हमारा थर्ड स्पेक्ट्रम है वह इमिशन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इमिशन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस में लाइट पास कराते हैं तो उसके ब्लैक बैकग्राउंड में जो होता है, ब्लैक बैकग्राउंड में एक ऐसी पट्टियां पाई जाती हैं जिनके बीच गैप नहीं होता है, ऐसी पट्टियां जिनके बीच गैप नहीं होता है, तब इनके बीच जो स्पेक्ट्रम बनता है, जो पदार्थ की आयतन अवस्था में होता है, जिसमें जो पदार्थ होगा वह आयतन की अवस्था में होगा, तब कौन सा बैंड स्पेक्ट्रम बनेगा, इमिशन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। जैसे इसमें फिलामेंट बल्ब का जो स्पेक्ट्रम होता है तथा जो सन का स्पेक्ट्रम होता है वह इसमें बनता है। इसमें सन में जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें इमिशन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। अब जो हमने बताया सेकंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें पहला जो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है, जब हम व्हाइट लाइट को ऐसे सब्सटेंस में पास कराते हैं तो जो मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं पदार्थ से निकलने वाले निकलने के बाद जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब हम किसी व्हाइट लाइट को या प्रकाश को ऐसे सब्सटेंस में से पास कराते हैं जो मॉलिक्यूलर स्टेट में हो, तो पदार्थ से निकलने के बाद जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वह पदार्थ का लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसमें इस वाले स्पेक्ट्रम में हम सोडियम लाइट को अगर हम गुजारें, सोडियम लाइट को हम गुजारते हैं, तब इसमें हमें इसका स्पेक्ट्रम पास मिलता है। इसे सोडियम लाइट से अगर हम पास करते हैं तब इसमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो दूसरा हमारा एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस स्पेक्ट्रम में जब हम व्हाइट लाइट को ऐसे सब्सटेंस में से गुजारते हैं, जब हम व्हाइट लाइट को किसी ऐसे सब्सटेंस में गुजारते हैं जो मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, तो हमें उस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। जैसे कि हमने बताया कि यदि लाइट को हम CO2 से, जब हम इस वाली लाइट को इस वाले CO2 से जब हम पास कराते हैं, जब CO2 से पास कराते हैं, तब जो हमें बैंड प्राप्त होता है वह एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। यह हमारे एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। यह तीसरा इसका है एब्जॉर्प्शन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। यह भी तीन प्रकार का होता है। जब हम इसमें जो एब्जॉर्प्शन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, इसमें हम व्हाइट लाइट को ऐसे सब्सटेंस से पास कराते हैं जो कि वॉल्यूम स्टेट में होता है, तब इस एब्जॉर्प्शन को कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तब जो हमारा थर्ड एब्जॉर्प्शन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम था, इसमें जैसे जो एग्जांपल है हमारा
कि हम इस स्पेक्ट्रम में हम किसी रेड लाइट को पास कराते हैं। जब इसमें हम रेड लाइट को पास कराएंगे तब जो स्पेक्ट्रा हमारा निकलेगा उस स्पेक्ट्रा को हम एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह हमारे जो स्पेक्ट्रा के टाइप्स हुए यह टू टाइप्स के, पहला एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहला स्पेक्ट्रम जो था वह एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम, तीसरा एमिशन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था। जैसे जो दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था यह भी तीन प्रकार का था, पहला एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम तथा जो तीसरा था एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमने आपको बताया।